इक्योंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। कोई आण मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, कोई आण मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, कोई आण मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। हाँ तिस पह आप बेचाई, हाँ तिस पह आप बेचाई, कोई आण मिलावे दुख भी।
हर मेल ले हो बढ़ियाई, हर मेल ले हो बढ़ियाई, हर मेल ले हो बढ़ियाई। नानक गरीब ने पया दुआरे, हर मेल ले हो
सन ताई मेरा मन लोचे, मन लोचे मेरा मन लोचे, मन लोचे मेरा मन लोचे। सुहावा जियो सहज तुन पानी, चिर होवा देखे सारंग पानी। धन स्वदेश जहां तू वसिया, मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो। पाया सेव करी
चसान विछड़ा जन नानक दास तुम्हारे जियो दर्शन ताई बिलप करे चात्रिक की न्याई त्रिखा न उतरे सांत न आवे बिन दर्शन संत प्यारे जी एहो तन मन तेरा सब गुण तेरे खनिए वंजा दर्शन तेरे दर्शन तेरे सुन प्रभु मेरे निमख दृष्ट पेख जीवा अमृत नाम सुनी जे तेरा कृपा करे ता पीवा आस प्यासी पिरके ताई जो चात्रिक बूंदे रे कहो नानक जीड़ा बलिहारी देओ दर्स प्रभु मेरे मन लोचे मेरा मन लोचे मन लोचे मेरा मन लोचे मन लोचे मेरा मन लोचे मन लोचे मेरा मन लो हमारे एह कृपा कीजे अलमकरंद चरण कमलन सिउ मन फेर फेर रीजे आन जलाशियों का जिना कछुए हर बूंद चात्रिक को दीजे बिन मिलवे नाही संतोखा पेख दर्शनानक जीजे जिना दे हिरदे विच गुरु दे दर्शना दा प्यार है ओ बिन दर्शन तो रह नहीं सके प्यार दी मूरत
मिठ बोलड़े सतगुरु धन गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह। इस शब्द विच अपने मन की अवस्था दस रहे कि जदों जीव गुरु तो विछड़ तां उहदी की हालत हुंदी है और जदों गुरु नाल मिलाप हुंदा है तां केड़ा सुख मिलदा। विछोड़े विच दुख है, मिलाप विच सुख है। साध संगत जी बोलो श्री वाहिगुरू। गुरु रामदास सच्चे पातशाह सोढ़ी सुल्तान जदों अमृतसर विच कार सेवा करा रहे सन हरिमंदर साहब दी, आप दा रिश्तेदार सियारी मल जी साहब दे चरणां विच आया। गरीब निवाज, घर विच शादी है, आप कृपा करो लाहौर चल के चरण पाओ। घर विच नाले तां काज सुहेलड़े होवन ते आप दे चरणां दी बरकत नाल सारे सुख भी प्राप्त हो। साहब कहण लगे, सियारी मल जी जरूर चलदे तुहाडे नाल, पर इत्थे कारज बहुत है। अमृतसर नगरी हरिमंदर साहब दी सेवा, संगत दा, गुरु संगतां दा आउणा जाउणा ए बहुत है। गुरु संगत दा आउणा जाणा इत्थे बहुत, इस वास्ते साडा जाणा मुश्किल है। पातशाह फिर किसे होर नू नाल भेज दिओ जो आप दा ही साजा निवाजिया हो। कहण तो भाव सी कि आप दे तीन लड़के हन, तीन साहबजादे हन आप दे, तिन्हां विच्चों किसे इक नू नाल भेज दिओ। गुरु रामदास पातशाह कहण लगे ठीक है। वड्डे नू सदिया, बड़े लड़के नू, बाबा पृथ्वी चंद जी, बेटा तुसी जाओ। गुरु रामदास जी कहण लगे, ताए जी दे घर शादी है ना। पृथ्वी चंद जी मन विच सोचण लगे, जे मैं चला गया लाहौर, गुरता गद्दी गुरु साहब पिछों किसी होर नू ना दे दें। आख्या जी इत्थे बड़े काम हन, आप किसी होर नू भेज दे। बचन नहीं मने। दूसरे लड़के नू सदिया, महादेव जी आप जाओ, शादी है ना बई ताए जी दे घर। कहण लगे, जी शादी की हुंदी है ते गमी की हुंदी। मैं अवधूत, इन्हां चीजां तो बहुत उच्चा। साहब कहण लगे, मैं तेरे तो ज्ञान नहीं मंगिया, बचन मनना के नहीं। आख्या किसे होर नू भेज दिओ। बचन महादेव जी ने ना मनिया तां फिर सब तो छोटे लड़के साहबजादे गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दे गुरु अर्जन साहब, जो अजे गुरता गद्दी नहीं सी मिली, साहबजादा अर्जन देव जी से। आख्या तुसी जाओ, सत बचन कारज सुहेलड़े करके आउणा। सत बचन चलण वेले पुछिया, गुरु पिता वापस कदों आवां। आख्या जद तक साडा हुक्म ना हो वापस नहीं आ। लाहौर गए, कितने दिन बीत गए, अजे बुलावा नहीं आया। तां गुरु अर्जन देव पातशाह अपने गुरु पिता जी नू चिट्ठी लिखी, पहली, मेरा मन लोचे गुरदर्शन ताई, बिलप करे चात्रिक की नहीं। मेरा मन हुण लोच रहा है आप दे दर्शना नू। किवें लोच रहा, जिवें चात्रिक बबीहा स्वाती बूंद मंगदा, मैं तुहाडे दर्शन मंगदा। मेरा मन लोचे गुरदर्शन ताई, बिलप करे चात्रिक की न्याई। त्रिखा न उतरे सांत न आवे, बिन दर्शन संत प्यारे जियो, हो कोली जियो कोल कुमाई, गुरदर्शन संत प्यारे जियो। पहली चिट्ठी लिख के गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे नाल जो सेवक गया सी उदे हाथ चिट्ठी भेजी अमृतसर। गुरु रामदास जी नू दे के मेरी हालत दस के साहब कोलो हुक्म लैके आई कि मैं कदों अमृतसर वापस आऊं। पर ओ चिट्ठी पृथ्वी चंद जी ने लै लई, गुरु रामदास जी तक पहुंचाई नहीं। ते आख्या जाओ अर्जन जी नू आखो, अजे लाहौर ही रहन गुरु का हुक्म है।
सात संगत बोलो श्री वाहिगुरु। दूजी चिट्ठी लिखी तेरा मुख सुहावा जियो, सहज धुन बाणी चिर होवा देखे सारंग पाणी, तन सुदेश जहां तू वसिया मेरे सज्जन मीत, मुरारे जियो हो कोली हो कोल कमाई गुर सज्जन मीत मुरारे। हे गुरु पातशाह तेरा सोना मुखड़ा दर्शन कीतिया इतना समा गुजर गया, कृपा करो हुण मेल लो, ओ थां भी तन है आप दा देश भी तन है, तन सो देश जहां तू वसिया। इस वास्ते साहब ने दूजी चिट्ठी लिख के भेजी, ओ भी चिट्ठी पृथ्वी चंद जी ने रख ली, हुण तीजी चिट्ठी लिख के फिर गुरु अर्जन साहब जी ने सेवक नू तीजी वार भेजिया, आख्या आ दो चिट्ठिया पहला गुरु पिता नू दित्तियां सन, आख्या नहीं ओ तां पृथ्वी चंद जी ने लै ली, आख्या हुण तीजी चिट्ठी गुरु पातशाह तो बिना होर किसे नू ना देना, विच की लिखिया है, एक घड़ी न मिलते ना कल जुग होता, हुण कद मिलिए प्रिया दुध भगवन रैन न बिहावे, नींद न आवे बिन देखे गुरदर बारे जियो, मो खोली जियो गोल कुमाई, मो खोली जियो गोल कुमाई, तिस सच्चे गुर दरबारे जियो। मन लोचे मेरा मन लोचे, 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 दर्शन ताई मेरा मन लोचे, मन लोचे मेरा मन लोचे, मन लोचे मेरा मन लोचे। तीसरी चिट्ठी लैके सिख जिस वेले अमृतसर पहुंचया, पृथ्वी चंद जी ने फिर राह रोकया, सिखा चिट्ठी फिर लिया है गुरु अर्जन साहब दी, आख्या लिया तहा पर तुहानू देण दा हुक्म ने, गुरु रामदास पातशाह जी नू देण दा हुक्म। अंदर दरबार विच गए, सिख ने चिट्ठी सोडी सुल्तान धन गुरु रामदास जी नू जदों भेट कीती, जिस वेले दसिया कि मैं लाहौर तो आया गुरु अर्जन साहब जी की पत्रिका लैके चिट्ठी लैके, जिस वेले गुरु रामदास जी ने चिट्ठी पढ़ी, जिस चिट्ठी ते लिखण वाले ने लिखण वेले अपने अथरू डेगे सन, गुरु रामदास जी ने पढ़न वेले उसे चिट्ठी नू पढ़ पढ़ के अपने अथरू उसे चिट्ठी ते गिराए, उन्हां अखरां ते ओ प्यार वाले अखरां ते बाणी सोहणी बाणी अमृत बाणी दे अखरां ते जिथे गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे आंसू गिरे लिखण वेले पढ़न वेले गुरु रामदास जी दे गिर रहे। सात संगत बोलो श्री वाहिगुरु। आख्या अंक तीजा लिखिया प्यारिया दो चिट्ठियां पहले किथे, गुरु रामदास जी ने पुछिया, सिख कहण लगा जी मैं दो चिट्ठियां पहलियां पृथ्वी चंद जी नूं दित्तियां, क्यों बेटा दो चिट्ठियां आईया पहला सानू क्यों नहीं दितियां। पृथ्वी चंद जी कहन लगे जी सिख झूठ बोलदा, इन्हें चिट्ठियां दितियां ही कोई लियाया ही कोई। सिख कहन लगा पातशाह तुसी तां अंतरजामी हो, आप ही हुण निर्णय करो
तां साहिब गुरु रामदास जी कहण लगे, बेटा साडे सामने खलो के ही झूठ बोलदे पृथ्वी चंद, चिट्ठियां लैके ते मुनकर हो रहे, सिख नूं भेजिया जाओ पृथ्वी चंद दे घर, ओ जिहड़ा कुर्ता टंगिया ना किली नाल ओदी जेब च चिट्ठियां पईआं ने दो लिया, सिख गया चिट्ठियां लै आया, पृथ्वी चंद दा मूंह काला होया। साहब ने आख्या, जा सिखा गुरु अर्जन देव पातशाह, हुण लै आ उन्हां नूं जिस तरह ओ साडे दर्शनां तों बगैर नहीं रह सकदे। गुरु रामदास जी कहण लगे, हुण असी भी अर्जन दे दर्शनां तों बगैर नहीं रह सकदे। साध संगत बोलो श्री वाहिगुरु। जिस वेले हुक्म मिलिया, गुरु अर्जन देव पातशाह जी आए अमृतसर, आके चरणा नाल गुरु रामदास जी दे इवें लिपट गए आ जिवें किसे बछड़े नूं देखिया जे, किवें रस्सी टोड़दा ते जांदा अपनी गऊ माता नूं मिलदा। जा लिपट गए चरणा नाल, रो रो के नैणा दे जल नाल गुरु रामदास जी दे चरण धो दिते। साहब ने आख्या, पृथ्वी चंद तू फिर ना कही कि असी गद्दी गुरु अर्जन साहब जी नूं दे दित्ती है, जे इस शब्द दा चौथा पद तू उचार देवे तां हुण वी गद्दी तेनूं दे दी। एक अखर मुंह च ना निकलिया। सात संगत, एक गुरु ग्रंथ साहब की बाणी, एक गुरु की बाणी कोई गीत नहीं, कोई कविता नहीं, कोई बना लवे, ए तां धुर तों आई बाणी है। धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई, माध्यम बने गुरुदेव पातशाह। तां गुरु रामदास जी का हुक्म मान के फिर गुरु अर्जन साहब वाल वेख्या। साहब ने आख्या, हुण गुरु अर्जन देव पातशाह नूं हुण तुसां इस शब्द नूं चौथा पद भी उचार के संपूर्ण करो। उस वेले गुरु अर्जन साहब जी ने फिर चौथा पद उचारिया। की आखिया, भाग होआ गुर संत मिलाया, प्रभ अपनासी घर में पाया, सेव करी पल चसा न विछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जी हो कोली, जियो कोल कुमाई, जन नानक दास तुम्हारे जी। भाग हो आखिया, आज मेरे भाग बने हन, मैनु गुरु रामदास जी दे दर्शन होए। पर किसने दर्शन कराए? ए सिख प्यारे, ए सिख संत है, जो गुरु नाल मिलावे। बाबा जी क्या करदे सन, जेड़ा गुरु नाल मिलावे, गुरु नाल जोड़े, ओ गुरु घर दा संत है। सात संगत जी बोलो श्री वाहिगुरु। साहब ने उस सिख नूं भी इस शब्द विच निवाजिया। गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दे भी सलाहना कीती, भाग होवा गुर संत मिलाए, अज मैनू गुरु पिता मिले, मेरे वड्डे भाग बने हन। तां साहब ने जदों शब्द पूरा कीता तां गुरु रामदास पातशाह कहण लगे, अर्जन मेरा जी करदा हुण मैं तेरे चरणा ते मत्था टेक। साध संगत बोलो श्री वाहिगुरु। क्योंकि हुण गुरु नानक दी गद्दी ते तू ही बह सकदा। बाबा बुड्ढा जी लाओ तिलक, गुरु अर्जन देव पातशाह नूं गुरु नानक दी गद्दी ते बिठाओ, पंज पैसे नारियल इत्यादक अगे रख के धन गुरु रामदास पातशाह जी ने गुरु अर्जन साहब जी नूं मत्था टेकिया। साध संगत बोलो श्री वाहिगुरु। तां पट लिखदे हन, जब लो नहीं भाग लेलार उदे, तब लो भरमते फिरते बहुत आयो, कल कोर समुद्र में बूढ़त थे, कब हूं मिट है नहीं रे पछतायो, तत विचार ये है मथुरा, जग तारन को अवतार बन आयो, जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ ने। केड़ा एक बारी भी प्यार नाल गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे नाम जपेगा, ओ फिर गर्भ जून विच नहीं आएगा। गुरु रामदास पातशाह जी कहण लगे, अर्जन जी, गुरु अर्जन देव महाराज नूं कहण लगे, गुरु अर्जन देव जी नूं, गुरु नानक दी गद्दी ते भी तू ही बह सकदा है। ते गुरु रामदास जी ने आख्या, ततियां लोहां ते भी तुसी बह सकदे हो, और कोई नहीं बैठ सकता। तां आओ एक बारी प्यार नाल धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे नाम दा जाप कर लईए। जपियो जिन अर्जन देव गुरु, जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ ने आयो। जपियो जिन अर्जन
जन देव गुरु जपियो जिन अर्जन देव गुरु जप लो नहीं भाग तारन को अवतार बनायो जपियो जिन अर्जन देव गुरु जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ने आयो जपियो जिन अर्जन गुरु जपियो जिन अर्जन देव गुरु 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 जपियो जिन अर्जन देव गुरु जपियो जिन
जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः।
जय गुरु जी की। You know।